हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे लैपटॉप की। लैपटॉप सिस्टम ऑन हो रहा है और डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही है। डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, डिस्प्ले ब्लैंक आ रही है। इसका सलूशन इस वीडियो में, आप वीडियो पूरी देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें और जल्दबाजी मत करें। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोलें। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें फ्रेंड्स। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। वीडियो को पूरी देखें। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोलना है और धीरे धीरे खोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्क्रू ड्राइवर के साथ ही खोलना है, हाथ से इसे खोलने की कोशिश ना करें क्योंकि ये लॉक डैमेज हो सकते हैं, इसके टूट सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर के साथ ही खोलें। जैसा आपको वीडियो में बताया गया है वैसे ही इसे खोलें फ्रेंड। इसे खोलने के बाद फ्रेंड हम रैम को आउट करेंगे, जो हमारे सिस्टम में रैम लगी हुई है इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फ्रेंड इसे हम किसी कपड़े की मदद से साफ करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम हार्ड डिस्क को भी निकालेंगे। हार्ड डिस्क को निकालकर अच्छी तरह से किसी कपड़े की मदद से इसे साफ करेंगे। हार्ड डिस्क के जो पोर्ट होते हैं आगे, उसे साफ करेंगे फ्रेंड। धीरे धीरे ही स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही खोलें। हार्ड डिस्क को निकालकर धीरे से निकालना है, इसमें भी कोई जल्दबाजी ना नहीं करनी है, नहीं तो जो कंडक्टर है वो डैमेज भी हो सकता है यदि आप जल्दबाजी करेंगे फ्रेंड। इसे भी कपड़े की मदद से साफ करके और उसी तरह से वापस लगा देनी है। हार्ड डिस्क लगाने के बाद फ्रेंड अपनी रैम को भी उसी तरीके से, अच्छी तरीके से इसके अंदर लगाएं और लॉक रैम को नीचे दबाकर लॉक लगाएं और उसके बाद इसे जैसे आपने खोला है उसी तरीके से इसे बंद कर देना है। बैटरी लगाने के बाद फ्रेंड हम अपने सिस्टम को ऑन करेंगे। और हमारी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है फ्रेंड। आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। आगे भी वीडियो हमारी आती रहेगी फ्रेंड इस चैनल में। थैंक यू फ्रेंड।